उगते भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ सूर्यदेव की आराधना छठ पूजा का महापर्व संपन्न हुआ। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं एवं श्रद्धालु संगम स्थित छठ घाटों पर सूर्योदय के काफी पहले से पहुंचे। छठ गीतों के साथ व्रती अपने घरों से फलों एवं पूजन सामग्री से सजे सूपा और दउरा के साथ निकलकर छठ घाट पहुंची। व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े रहकर सूर्यदेव के उदित होने की प्रतीक्षा की। सूर्योदय के साथ ही भगवान भास्कर को कच्चे दूध एवं जल का अर्घ्य दिया गया। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पूजन आरती के साथ छठ माई का प्रसाद वितरण किया गया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए श्रद्धालु घंटों छठ घाट पर खड़े रहकर प्रतीक्षारत रहे। छठ घाट पर भगवान भास्कर के उदित होने की प्रतीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं ने पटाखे फोड़कर उत्सव का आनंद भी उठाया। सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सूर्य पूजन के उपरांत व्रती महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य के प्रतीक सिंदूर को विवाहित महिलाओं की मांग में लगाया तथा श्रद्धालुओं को सिंदूर का टीका लगाया। जी, इसका पहला व्रत शुरू होता है 4 दिन का जो व्रत, पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, उसके बाद से ये व्रत होता है छठ का व्रत, जिसमें हम लोग 36 घंटे का निराजल व्रत करते हैं और उसके बाद संध्या अर्घ देने के पश्चात आज हम लोगों ने सवेरे का अर्घ दिया है और अब हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। क्या विशेष चीज है जिसके लिए ये हमारी ये धारणा है कि मतलब मैया किसी को निराश नहीं करती है, मैंने जो मांगा है मैया ने मुझे दिया है और मैं यही सबसे कहूंगी जो आस्था रख के इस व्रत को करेगा वो निराश कभी नहीं होगा, माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। परिचय देती, मेरा नाम शकुंतला पांडे है, मैं इलाहाबाद राजीवपुर की रहने वाली हूँ। आप लोगों ने किस तरह ये 4 दिन का पर्व है, इसलिए हम लोग पहले दिन नहाए खाए करते हैं, फिर खरना होता है दूसरे दिन, उसके बाद ढलते हुए सूरज भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं और अगले दिन डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, जो बेटों के लिए होता है उनकी दीर्घ आयु के लिए। एक दिन पहले हाँ, उगते हुए सूरज को।